गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली ना मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे, कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीदे थे, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदे थे। सो मुझे उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स काफी पसंद आए और कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। सो उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीप ऑन वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले ना सबसे सस्ते प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं जिसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फर्स्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोनिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था फार्मेसी ऐप से। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम मुझे अराउंड 250 रुपीज में पड़ गई थी। एंड गाइस, इस प्रोडक्ट के क्लेम्स बहुत अच्छे लगे मुझे। सबसे पहले कि ये 48 आवर्स तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। एंड दिस मॉइस्चराइजर इज फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। दिस प्रोडक्ट इज नॉन कॉमेडोजेनिक, फ्रेग्रेंस फ्री, नॉन ग्रीजी, नॉन इरिटेटिंग, नो सल्फेट्स एंड नो कलर्स। इस प्रोडक्ट की सारी चीजें काफी अच्छी हैं, बट मुझे इस प्रोडक्ट का फील पसंद नहीं आया। इसे लगाने के बाद पहली बात, ये काफी थिक है। ये प्रोडक्ट गाइज मुझे डीकंस्ट्रक्ट का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर टाइप लगा और मुझे भी उसका फील थोड़ा सा थिक लगता था और ये भी काफी थिक लगती है स्किन पर। प्लस अगर थिक भी लगती तो ठीक था क्योंकि मैं नाइट टाइम में यूज कर लेती, क्योंकि थिक मॉइस्चराइजर्स हम नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं। वैसे भी नॉन कॉमेडोजेनिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये मॉइस्चराइजर पपड़ी पपड़ी बनकर उतरने लगता है। मतलब अगर आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, ये तभी उतरने लग जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस मॉइस्चराइजर का। बाकी इस मॉइस्चराइजर में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। इनका क्लेम है कि जो भी एपिडर्मिस में वाटर लॉस है उसको वो रिकवर करता है। स्किन फ्रेंडली पीएच है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट में हाइरोलोनिक एसिड है, डी पेंथेनॉल है, शे बटर है। सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, नॉन कॉमेडोजेनिक है, फ्रेग्रेंस फ्री है, सब कुछ। और प्लस ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये आपको मिल जाएगी 50 ml इन रुपीज 319, यानी 300 के अराउंड आपको ये मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। अगर आप फार्म इजी से लेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, क्योंकि काफी अफोर्डेबल होता और नॉन कॉमेडोजेनिक, फ्रेग्रेंस फ्री, काफी अच्छा मॉइस्चराइजर होता। बट इसका जो फील है, इसका जो टेक्सचर है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं इसे नाइट टाइम में यूज करती हूँ। मैं इस मॉइस्चराइजर के साथ स्कॉलिन ऑयल की 2-3 ड्रॉप्स ऐड करती हूँ, तभी ये मॉइस्चराइजर मैं लगा पाती हूँ। अगर आप कोई ऑयल यूज करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में तो आप ये मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अगर मैं ऑयल के साथ लगाती हूँ तो ये काफी अच्छे से काम करती है, काफी हाइड्रेट लगती है स्किन। ये मुझे प्रोडक्ट पसंद आया, वैसे अच्छा है, बट इसका मुझे टेक्सचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो गाइस, सेकंड प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया, लॉरियल का ड्रीम लेंथ। ये है नो हेयर कट क्रीम, लीव इन क्रीम है ये। एंड ट्रस्ट मी, इसको यूज करने से मेरे बाल काफी सॉफ्ट लगते हैं। ये लीव इन क्रीम है, इतनी ज्यादा लाइट वेट है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी आपके हेयर आपको भारी हैवी बिल्कुल नहीं लगेंगे, चिपचिपे बिल्कुल नहीं लगेंगे। प्रोडक्ट को मुझे 15 डेज हो चुके हैं यूज करते हुए एंड ये प्रोडक्ट मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मेरी फ्रिजीनेस काफी कम हो जाती है जब भी मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ। प्लस मेरे बाल ना काफी स्मूथ लगते हैं। और अगर आप ब्लो ड्रायर यूज करते हैं डेली बेसिस पे, यानी जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, तो ये क्रीम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बिकॉज ये लीव इन क्रीम आपके हेयर को डैमेज होने से बचाएगी। अगर आप हीट भी लगाते हैं तो आपके हेयर मतलब डैमेज नहीं होंगे, ये काफी हीट से प्रोटेक्ट करते हैं आपके हेयर को। सो गाइस, अगर आप ब्लो ड्रायर यूज भी नहीं करते हैं, आप वैसे भी यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो आपके हेयर में जो आपके हेयर काफी हेल्दी लगेंगे, स्प्लिट एंड्स काफी कम हो जाएंगे, बिकॉज ये आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, डैमेज होने से बचाता है। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। मैंने ये अपनी बहन को भी रेकमेंड किया, उसे भी काफी पसंद आया और मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपके फ्रिजी हेयर है, काफी डल हेयर है, काफी डैमेज्ड हेयर है, एक बार इसे ट्राई करना। पूरे हेयर वॉश होने के बाद इसे लीव इन क्रीम की तरह यूज करना एंड आपके हेयर काफी सॉफ्ट लगेंगे, फ्रिजीनेस काफी कम लगेगी और ये आपके हेयर को हीट से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो आप कोई भी ब्लो ड्रायर यूज करते हैं तो आपके हेयर इतने डैमेज नहीं होंगे। सो आई हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो गाइज, थर्ड प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ना मतलब क्या ही बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा दुख है इस प्रोडक्ट को खरीदने का, एवन का क्लेंजिंग जेल। एंड सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि ये इतना ज्यादा प्राइसी है और पता नहीं क्यों मैंने इसे खरीद लिया। मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक नहीं की। मुझे बहुत रिग्रेट है इस प्रोडक्ट को खरीदने का और मैं इसे बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। ये मैं सोचना कोई महंगा प्रोडक्ट है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। पहली बात, इस प्रोडक्ट का प्राइस है 1500। ये फेस वॉश आपको 1500 रुपीज में मिलेगा और इसके इंग्रेडिएंट्स में फ्रेग्रेंस ना मतलब बीच से भी ऊपर है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इसमें फ्रेग्रेंस है। एंड इस प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो
यूनिक हो या फिर ऐसा कि हम इसमें 1500 खर्च रहे हैं तो इसमें कुछ तो अलग बात होगी, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। सिर्फ एक ही अलग बात है कि इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा है, से 1000 times बेटर है डीकंस्ट्रक्ट का ब्राइटनिंग फेस वॉश, आपको 299 rupees में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा, प्लस इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है और मेरे फेस पे मुझे कोई असर नहीं दिखा। और एक और बात, और इस इतनी बड़ी बॉटल को हमें विद इन 6 months में इसे खत्म करना है। यहां पर इसका ये साइन बना हुआ है कि जब भी प्रोडक्ट खुलेगा उसे 6 months के अंदर अंदर खत्म करना है। मैं अकेली इस प्रोडक्ट को 6 महीनों में खत्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये काफी ह्यूज बॉटल है एंड इसका 1500 प्राइस है। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए इसे मैं रेकमेंड, तो क्या मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती इसे रेकमेंड। इवन ये 200 rupees में भी मुझे मिलता ना तो जितनी इसमें फ्रेग्रेंस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं 200 में भी इसको रेकमेंड नहीं करती। सो 1500 में तो मतलब सोचना भी मत। ये मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट है इस प्रोडक्ट को खरीदने का। सो गाइस, फोर्थ प्रोडक्ट है जो कि मुझे काफी पसंद आया, सिरोना का रिफ्रेशिंग इंटीमेट वॉश। एंड मैं वी वॉश यूज करती थी बट ट्रस्ट मी, मुझे उसके बाद काफी इचिंग होने लगी थी। मुझे वी वॉश आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ, बट ये सिरोना का इंटीमेट वॉश मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, आपको 200 ml मिल जाएगा इन ₹350 विच इज यू नो नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपके पर्सनल हाइजीन के लिए ये प्रोडक्ट काफी सही है एंड इस प्रोडक्ट से मेरे को बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई, कोई भी एलर्जी नहीं हुई है। वैसे से मेरे को बहुत ही ज्यादा इचिंग होती थी और ये मुझे प्रोडक्ट काफी पसंद आया और ये मैंने खुद ही खरीदा है। मैंने सारी चीजें ये खुद खरीदी है, मुझे कोई भी चीज PR पे नहीं आई है, ये सारी चीजें मैंने खुद खरीदी है एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। ये मेरी रूममेट भी यूज करती है और उसे भी काफी पसंद आया। सो गाइस, फिफ्थ प्रोडक्ट है फिक्स डर्मा की शेडो सनस्क्रीन लोशन SPF 80 एंड ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने इसको होली के दिन भी लगाया था अपने नेक एरिया पर एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा ऐसे पपड़ी बनकर उतर गया। गाइस, समझ में नहीं आता कि क्या प्रोटेक्शन देगी ऐसी सनस्क्रीन जो उतर गई थोड़ी ही देर में। इवन थोड़ी ही देर में नहीं, अगर मैं इसको अप्लाई भी कर रही होती हूँ ना, ये अप्लाई करते करते ही उतरने लग जाती है। मैंने होली के दिन इसे फेस पर भी लगाया था, इसे पूरे नेक और चेस्ट एरिया पे भी लगाया था और ये पूरी पपड़ी बनकर उतरने लगी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और मैंने उसके बाद निव्या की सनस्क्रीन लगाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा वाटर रेसिस्टेंट है और मुझे वो सनस्क्रीन काफी पसंद है। एंड इस पे मेरे पूरे पैसे वेस्ट हो गए। एक तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस है प्लस कॉस्टली भी है। चलो ठीक है, SPF 80 है और PA 4+ है तो कॉस्टली हो सकती थी, बट सनस्क्रीन की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, इसका टेक्सचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लस ये काफी पैची है, अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है इस सनस्क्रीन के ऊपर एंड ये काफी पैची लगती है स्किन पर, प्लस लगाते लगाते ही उतरने लग जाती है। चाहे आप मॉइस्चराइजर लगा रखा हो आपने, चाहे नहीं लगा रखा हो, ये उतरेगी। यस, सो इस प्रोडक्ट को भी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो गिव इट अ लाइक। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।